Hello everyone, so welcome all of you to the class. Today's topic is electric fuse. कितने बच्चों ने अपने घर में फ्यूज देखा है? So I think many of you have seen the fuse. कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा because we are changing right now on MCBs and different kind of, we are searching for alternatives. But fuse एक बहुत important एक सेफ्टी मेजर है हमारे घर के लिए विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. आज वी विल बी गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो ये तो आप पता चल ही गया होगा, दिस इज़ अ सेफ्टी डिवाइस. ये क्या है? एक तरह की सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे घर के अप्लाइंसेस को खराब होने से बचाती है ड्यू टू द एक्सेसिव चार्ज या एक्सेसिव करंट. सो कई बार आपने देखा होगा घर में क्या होता है, अचानक से लाइट एकदम तेज हो गई और पंखा तेज हो गया या बल्ब की जो रोशनी है वो बढ़ जाती है, कई बार डिम भी हो जाती है ना. जनरली गर्मियों में ज़्यादातर लोग सबके घरों में एसी चलते हैं तो आपने देखा होगा वोल्टेज बहुत डाउन आते हैं. होता है ऐसा आप लोगों के साथ? है ना, कभी वोल्टेज ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी वोल्टेज डाउन भी हो जाते हैं. अब ऐसे में क्या होता है, जब भी दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग, क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएशन से क्या होता है, आपके अप्लाइंसेस ख़राब हो सकते हैं. जैसे आप सड़क पे कभी गाड़ी चलाओ तो आपको कैसी रोड पसंद है, जिसमें बार बार स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, या स्मूथ होनी चाहिए रोड? सबको स्मूथ रोड पे चलाने में मज़ा आएगा ना, ऐसी गड्ढे वाली रोड पे चलाने में मज़ा आएगा गाड़ी? नहीं आएगा. और उससे नुकसान क्या होगा, गाड़ी का भी नुकसान होगा. सिर्फ आपको इरिटेशन के साथ साथ गाड़ी का भी नुकसान होगा या नहीं होगा? सो वी नीड एक्सप्रेस वेज. इवन लोग दे कैन व्हाट वी कैन से ज़्यादा से ज़्यादा टोल भी देने को तैयार हैं, बट वी नीड स्मूथ रोड्स, है ना. सिमिलरली इनको भी एक ऐसा चाहिए कि यार एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिलता रहे, फ्लक्चुएशन ना हो. अब फ्लक्चुएशन होने से क्या होता है, अप्लाइंसेस ख़राब भी हो सकते हैं. मान लो किसी की एक लिमिट है कि इतना करंट ही आना चाहिए या इतना चार्ज ही आना चाहिए, एक्सेसिव चार्ज आएगा तो आपने कई बार देखा होगा चार्जर्स वगैरह हमारे फूक जाते हैं, कई बार टीवी भी लोगों के फूक जाते हैं, फ्रिज है और भी चीज़ों पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट हमने देखा है. सो वी यूज़ दिस सेफ्टी डिवाइस, दिस इज़ कॉल्ड फ्यूज़. ये हम लगाते हैं बाहर अपने मेंस में. वैसे छोटे छोटे फ्यूज़ हम अंदर भी लगाते हैं, बट मैं मेन फ्यूज़ की बात कर रहा हूँ. तो इसमें क्या होता है, ये लाइट आपकी बाहर से आ रही है, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिक पोल है वहाँ से आपके घर में वायर आती है ना, दैट वायर गोज़ योर मेंस, और वहाँ पर हम एक फ्यूज़ लगा देते हैं. फ्यूज़ में एक वायर लगा हुआ है और यहाँ से ये जा रहा है आपके डिफरेंट डिफरेंट अप्लाइंसेस पे, जैसे आपके रूम में आपके फैंस, एसी, टीवी, फ्रिज, आपके घर के अंदर, है ना. सो ऑब्वियसली बात है, फ्यूज़ अप्लाइंसेस से पहले लगाना चाहिए. ये अभी अब मैं पूछूंगा आपसे, ये अप्लायंसेज हैं, ये रूम आ गया, तो क्या फ्यूज़ के बाद रूम होना चाहिए या रूम के बाद फ्यूज़ होना चाहिए? तो बाहर से करंट आ रहा है, हमने एक फ्यूज़ लगाया, इसके अंदर एक वायर है और ये आगे से ये वायर कहाँ जा रही है, आपके अप्लायंसेज में जा रही है. अब सपोज़ कभी एक्सेसिव करंट आ गया, ज़्यादा करंट आ गया, तो ज़्यादा करंट आ गया या एक्सेसिव चार्ज आ गया तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल मेल्ट डाउन. क्या हो जाएगा, ये मेल्ट डाउन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. अब मेल्ट हो जाएगा तो ये कनेक्शन ही ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो ये कनेक्शन ही ब्रेक हो जाएगा. आगे आपके अप्लाइंसेस क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे. दिस इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है. अब ये वायर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये जो वायर है इसके अंदर इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए, बोलो. देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, एक वैल्यू निकालेंगे हम वायर के हिसाब से, ऑप्टिमम मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. रीजन बीइंग, मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, या पहले लो बोला उसने, एक बच्चे ने, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है. सो थोड़ा सा भी करंट आ गया जो हमें रिक्वायर्ड है अपने घर के अप्लायंसेस चलाने के लिए, ये मेल्ट हो जाएगा. आप दिन में जाके इसको बार बार चेंज ही करते रहेंगे. अच्छा, अगर मैं हाई मेल्टिंग पॉइंट रखूँ तो क्या होगा, पता चला घर पूरा जल गया लेकिन ये मेल्ट ही नहीं होके दे रहे हैं बाबूजी. आपके घर में एक्सेसिव करंट आया, अंदर टीवी, फ्रिज, व्रिज सब
हो गया है, हमारे बाल ऐसे सीधे खड़े हैं, काले हो गए हम, लेकिन ये बाबूजी मेल्ट ही नहीं हुए। तो ऐसे फ्यूज़ का क्या, ऐसे सेफ्टी मेजर का, ऐसे बॉडीगार्ड का क्या फ़ायदा कि कोई आके मुझे लूट के चला जाए और बॉडीगार्ड ऐसे खड़ा है ना। तो बॉडीगार्ड का तो काम है ना जो मुझे मेरी बॉडी को गार्ड करे, तो ये भी तो एक तरह से बॉडीगार्ड ही है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम, एक ऑप्टिमम वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे कि इससे ज़्यादा करंट आ जाए तो ये मेल्ट हो जाना चाहिए और इससे नीचे करंट हो तो ये मेल्ट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन प्लीज़ आस्क। अब जो लेटेस्ट हम इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में आगे चल रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूजेस भी आ गए हैं जो बने बनाए मार्केट से आते हैं। जैसे इन्वर्टर में होता है वो इस टाइप का होता है, मैं आपको दिखा दूँ, ये इस टाइप का सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बार बार आपको फ्यूज़ जब चेंज करना होगा तो आपको ये वायर इसमें फिट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास अब कौन सा आ गया है, MCB, अभी ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। MCB क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो बहुत ईजिली बच्चे भी उसको अप डाउन करके करेक्ट कर सकते हैं।